एक आला क्या है, हम लोग ने 25 रुपीज़ का जरा मुश्किल के ऊपर जाने के लिए। अब ठीक से नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब, मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। आप सबका फिर से स्वागत है मेरे ट्रैवल जर्नी में। आज हम जाएंगे कार्ला कैवेज। तो लोनावला तो पहुँच गया, वहाँ से अभी जाऊँगा मैं। देखो गाइस, यहाँ पे एक वीरा देवी का मंदिर है, ये पायथा है, यहाँ से हम लोग को आगे चढ़ना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से सीढ़ी है, यहाँ से ऊपर चढ़ना। हम पायथा से चढ़ रहे हैं कैबेज जाने के लिए। रास्ता यहाँ से ऊपर है, बाजू पे एक वीरा के बाजू में ये कार्ला कैबेज जाने के लिए। यहाँ से हम लोग ने ऊपर चढ़ा, ये देख सकते हो आप मेरे पीछे नज़ारा, एक और नीचे पूरा कितना मस्त नज़ारा लग रहा है आप, नज़ारा मस्त हो गया ऊपर जाने के लिए। आप देख सकते हो ग्रीनरी और मस्त। चलो ऊपर जाते हैं, ये ऐसी सीढ़ी है, जैसे चढ़ के ऐसे ऊपर जाएंगे कार्ला के उस जाने के लिए। आधा रास्ता मैंने तो लगभग पार कर लिया है ऊपर जाने का। जंगलों के बीच में सबसे ऊपर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। देखो जंगल, लोग खुशी खुशी आ रहे हैं। मैं थोड़े दोपहर में आया हूँ इसलिए, पर खुशी महसूस होती है। अपन अब देख सकते हो गाइस, आधा रास्ता तो हमने पार कर लिया है, अभी और चढ़ना पड़ेगा। बट आप नज़ारा देखिए, सीधे अभी देखो ना, मस्त है, इतना ज़्यादा है और काफ़ी पर्वतों के ऊपर है। देखो यहाँ पे खाने के लिए भी है रेस्टोरेंट, ऊपर जाने के लिए रास्ते के लिए। एक वीरा कंदी पेड़ आप देख सकते हो। ऊपर जाने के लिए ऐसा स्टॉल है, ये ना देख सको कितना भारी नज़ारा ऊपर से, कितना मस्त नज़ारा ऊपर से, ऐसा नज़ारा दिख रहा है। देख सकते हो फाइनली हम ऊपर आ गए गाइस। ये देखो सामने आप कार्ला कैवेज देख सकते हो, आप कितना बड़ा है। ये देखो यहाँ से क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, बाजू में एकवीरा देवी का और यहाँ पे ये कार्ला कैवेज। हम लोग ने 25 रुपीज़ का टिकट ले लिया है, ऐसा कितना मन लग रहा है, कितना बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा है। उस टाइम पे बना हुआ था वो, देख सकते हो आप क्या मस्त बना हुआ है। अंदर भी जाते एक्सप्लोर, अब देख सकते हो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूँ ऊपर कार्ला कैवेज के यहाँ पे। जैसे हम अभी इंटर करेंगे, 25 रुपीज़ का टिकट लिया है मैंने। चलो अंदर जाते हैं, अभी नज़ारा कितना मस्त है। बाजू में देवी और एक कार्ला कैवेज, वहाँ पे इंटर करता हूँ मैं, अभी आपको दिखाता हूँ मैं इंटर करने का। ये देख सकते हो गाइस, ये ऐसा हुआ गुफा बना हुआ, ये देखो राउंड जैसा, उस टाइम पे बना हुआ है। ये देखो एक गौतम बुद्ध की मूर्ति, अब देख सकते हो गाइस, मतलब पत्थरों को काट कर है ना ऐसी मूर्ति।
आप देख सकते हो गाइस, पत्थर को काट के बना हुआ है गौतम बुद्ध की भव्य मूर्ति, उस टाइम पे 2000 सेंचुरी में बना हुआ है। इधर गाइस गुफा भी है पीछे, आप देख सकते हो गाइस, ऐसी छोटी सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए। देखो ऐसा रास्ता है, आप देख सकते हो मतलब कैसा उज्जैन में पत्थरों को काट कर बना, तो देखो ना पूरा शेप यहाँ पे, ये देखो ये भी यहाँ पे भी गौतम बुद्ध का बना हुआ है, देखो पूरा शेप में आई आई यहाँ पे भी मतलब मस्त बना हुआ है। और यहाँ पे ना मतलब अंधेरा बना हुआ है एक इसमें मेडिटेशन करने के लिए, मैं मतलब यहाँ पे बैठते थे बनते लोग मेडिटेशन करने के लिए, कितना मस्त है, मतलब शांत लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है अभी धूप में भी, ये ऐसा है। देखो देखो यहाँ पे भी प्रवेश द्वार है कार्ला लेंस का, देखो ऐसा हाँ फोटो काट दो। क्या ऐसा अशोक स्तंभ भरा हुआ देख सकते हो, कितना ऊंचा है। ये देखो क्या कलाकृति है भाई, बहुत भारी। ये देखो गाइस, हेलो गाइस, आप मेरे अच्छे देख सकते हो, मतलब ये हाथी का बस बना हुआ देख सकते हो, मतलब उस जगह पर मतलब 2000 सालों में कभी बना है, कितना भव्य कितना भव्य। वो आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध की मतलब हाथी से बना हुआ, देखो ना कितना बड़ा, मतलब उस टाइम पे पत्थर को काट कर बना हुआ, देखो ऊपर तले हुआ, यहाँ पे एक है और दूसरा वो साइड में भी, देखो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है और उस टाइम को चढ़ के चट्टान मतलब काट कर बना हुआ है, मतलब कितनी गर्व की बात है। इस विशन टूर में जब भी बना था 200 नंबर बना हुआ। चलो गाइस कितना शांत वातावरण, उस टाइम पे ऐसा बना हुआ है, आप देख सकते हो कितना मस्त भव्य लग रहा है गौतम बुद्ध। ऐसा
और ऊपर के साथ राउंड शेप में देख सकते हो, मतलब कितना मस्त है। मतलब देखो ना उस टाइम पे कैसा, मतलब पूरा राउंड राउंड शेप में उन्होंने बना हुआ। पर ये भी आप देख सकते हो, देखो सामने क्या बना हुआ है, कितना भव्य कृति से बना हुआ है इन्होंने। पत्थर को इन्हें काट कर कितना मस्त बना हुआ है, ये देखो। ये पूरे पहले के लैंग्वेज में जो बना हुआ है, देखो ना नाम लिखा है जितना कि इन्होंने बना हुआ है। ये देखो यहाँ पे भी 22, ये देखो क्या, ये देखो देख सकते हो गाइस, मतलब इतना मस्त भव्य जैसा बना हुआ है। हर एक पर है ना अलग अलग उन्होंने बना हुआ है। ये देखो यहाँ से है ना अंदर भी आप जा सकते हो। ये देखो अंदर ऐसा ही गुफा, सामने भी वैसा ही है उन्होंने बना हुआ। इतना भव्य मतलब क्या बोल। तो गाइस यहाँ पे ना वैसा ही बना हुआ है जैसे कि, ये देखो जैसे यहाँ पे बना हुआ है वैसे ही सेम है ना यहाँ पे इन्होंने बना हुआ था।